नेक्स्ट टाइम आपका किसी से बहस हो, किसी मामले पे भी, ठीक है, किसी मामले आप किसी से बहस हो, इफ यू लीव आर्ग्यूइंग और आप बहस छोड़ दें, इवन इफ यू राइट, तो मैं आपको E7 में, बाय द वे E7 इस्लामाबाद का एक बड़ा पॉश और बड़ा अच्छा सेक्टर है, ठीक है, मैं आपको, बड़ा महंगा सेक्टर है, मैं आपको E7 में घर दूंगा जो कि 5 कनाल का होगा, उसमें स्विमिंग पूल है, जकूजी है, पर्सनल जिम है, उसमें यू नो इटालियन फर्नीचर है और टाइल्स हैं और यू नो बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर से इसके डिजाइन हुआ हुआ है, एंड इसमें ऑर्थोपेडिक बेड्स हैं और वाटर बेड्स हैं और क्या कुछ नहीं है, उसमें 5 आपके नौकर चाकर होंगे जो आपका काम करेंगे, 2 कुक होंगे, 3 मेड्स होंगी जो आपका जो है ना वो ख्याल सफाई करेंगी, उसमें 3 गाड़ियां हैं, उनमें से 1 लैम्बोर्गिनी है, 1 रोल्स रॉयस है और 1 जो है वो फॉर एग्जांपल ग्रैंडी है जो के टोयोटा है जो कि आपको बच्चों का पिक एंड ड्रॉप करेगी, और मैं आपको उस घर की चाबी दे दूंगा अगर आपका अगली दफा किसी से भी आर्ग्यूइंग होती है और आप अगर आर्ग्यू करना छोड़ देते हो। मुझे अब ये बताएं, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई शख्स है जो कि बड़ा एलन मस्क आपको कह रहा है, ठीक है, या मलिक राज कह रहा है आपको कि आप अगर ऐसा करो ना तो मैं आपको ये घर दे दूंगा, मुझे अब ये बताएं हमारा अगली दफा किसी से फड्डा होगा या हम बहस कर लेंगे, हम उससे बहस करेंगे, हम उससे बोले लगेंगे तो हमारे जहन में क्या आएगा, अल्लाह अकबर, E7 में 5 कनाल का घर और ये सब कुछ लेविश फैसिलिटीज, ये तो मेरा ड्रीम था, हम कहेंगे भाईजन बात सुने, ये मेरा जूता है, ये मेरे सर पे मारे हैं आप 50 दफा मारे, शायद मुझे कुछ 2-4 चीजें मजीद और मिल जाए, वी लीव अप आर्ग्यूइंग क्योंकि वी वांट अ हाउस इन इस्लामाबाद E7। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असादिक अल मसदूक, उनसे सच्चा और कोई नहीं, फरमाते हैं कि मैं तुम्हें जन्नत में घर दूंगा, और आपको बताऊं जन्नत का जो एक विप्स लेंथ इन जन्ना है ना, एक जो विप्स लेंथ इन जन्ना, इट इज बेटर देन दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इट कंटेन्स। अल्लाह के नबी नहीं कह रहे हैं तुम्हें एक विप्स लेंथ दूंगा, वो कह रहे हैं मैं तुम्हें पूरी जन्नत में ना एक घर दूंगा। क्या हम अभी भी नहीं छोड़ेंगे आर्ग्यू करना किसी से, इवन इफ यू आर राइट? इंसान के जो सबसे हैवीएस्ट आमाल होंगे ना, जो कि पलड़े को भारी करेंगे, वो हुस्ने अखलाक होगा, वो अच्छा अखलाक होगा, लोगों से किस तरह वो ट्रीट करता है, लोगों से किस तरह वो बिहेव करता है, अपने बहन भाई के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने नौकर चाकर के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, दोस्तों के साथ कैसा है वो, लोगों के साथ कैसा है वो, यानी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये चीज़ को बिल्कुल दूर कर दिया गया है, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस दी जाती है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 वक्त नमाज अक्सर लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन अखलाक में तो बहुत कमी है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप लाइफ को खूबसूरती के साथ जीना चाहते हैं, अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा अच्छा अखलाक लोगों के साथ तो बहुत होता है, कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ खी हंस रहे हैं, अच्छा अखलाक रखा हुआ है और बिल्कुल अच्छे हैं, जजाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक, अल्लाह आपसे राजी हो जाए, अल्लाह पर खुश रखे, अल्लाह ताला, जब घर आए तो बिल्कुल ऐसे वो अखलाक का लिबास को फेंक दिया और गुस्सा कर रहे हैं और डांट रहे हैं, मार रहे हैं और पीट रहे हैं, जैसे कोई बदमाश आ गया घर में। ये जो है ना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो अपने सबसे ज्यादा आपके अच्छे अखलाक के हकदार वो लोग हैं जो आपके सबसे करीब हैं, जो आपके सबसे अकरब लोग हैं, आपके माँ बाप, आपके घरवाली, आपके बच्चे, और उसके बाद पड़ोसी, और उसके बाद बाहर के लोग, सबसे अच्छा अखलाक रखें इंशाल्लाह।